बिहार विधानसभा में गंदी बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब बीजेपी महिला विधायक भागीरथी देवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इस कारण अब उन्हें इलाज की जरूरत है। दरअसल भागीरथी देवी ने कहा कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, लेकिन उन्होंने अब सदन में गंदा काम किया है। जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हम लोग इस मामले को गांव-गांव की महिलाओं के बीच लेकर जाएंगे। भागीरथी देवी ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक वाक्य का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं जब सत्ता पक्ष में थी तब विधानसभा में बैठी हुई थी। छोटा सा रूम है विधानसभा के अंदर, उसमें से जब नीतीश कुमार निकले तो गांजा उनके शरीर से महक रहा था। नीतीश कुमार जब गांजा पीते हैं तब भी भाषण देते हैं, नहीं तो वो भाषण नहीं देते। भागीरथी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने विधानसभा और विधान परिषद में कितनी गंदी बात की। उनके इस बयान से पूरा बिहार शर्मसार हुआ है। इस तरह की गंदी बातें उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा की महिला विधायक ने पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पर आधी आबादी को अपमानित करने का आरोप लगाया, साथ ही नैतिकता के नाते इस्तीफा देने की मांग की। विधान पार्षद नवेदिता सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में मौजूद महिला सदस्यों के साथ दुनिया के करोड़ों महिलाओं को शर्मसार किया है, तो वहीं भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश मुख्यालय से मार्च निकालने का मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का पुतला जलाया। भाजपा की नेतृत्वों ने अमर्यादित एवं विवादित बयान के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ आयकर चौराहे पर नारेबाजी की। प्रेस वार्ता को भाजपा विधायक भागीरथी देवी, निक्की हेम्ब्रम, निशा सिंह कुशवाहा, कविता पासवान, गायत्री देवी और अरुणा देवी ने संबोधित किया।